हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे एकदम बाज़ार वाली पाव भाजी और बिना किसी तामझाम के एकदम झटपट से बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है कुकर और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच से तेल डाल दिया है और यहाँ पे एक बड़ा चम्मच से बटर मैं यहाँ पे डाल दूँगी। बटर को हल्का सा हमने मेल्ट हो जाने देना है। अब यहाँ पे एक छोटा चम्मच से डाल दिया है साबुत जीरा। जीरा को हम थोड़ा सा पका लेते हैं। अब गैस का फ्लेम एकदम लो पे करेंगे और एक चम्मच से पाव भाजी मसाला लिया है और एक चम्मच छोटा चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च का, ये हम डाल देंगे और फटाफट से इसको मिला देंगे। तो ये अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है। अब इसमें फटाफट से डाल देते हैं टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, देसी टमाटर लिए हैं। और टमाटर डालने के बाद हम पहले इसको मिला लेंगे, मसालों को टमाटर में मिक्स कर देंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं। बढ़िया से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये टमाटर भी मिक्स हो गया। अब एक छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पे लिया है चुकंदर, बीट रूट। इससे हमारी जो भाजी बनेगी ना उसमें कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। और एक गाजर लिया है और एक कप से मैंने यहाँ पे गोभी ली है, फूल गोभी। सारी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और गर्म पानी से भी मैंने इसको धो लिया है सारी ही सब्जियों को। अब आधा कप मैंने यहाँ पे ली है बीन्स। तो सब्जियाँ आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। और 3 आलू लिए हैं, छील के बढ़िया से धो के काट लिया है। और एक कप से लिए हैं मटर, फ्रेश मटर ली है। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सारी सब्जियों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ डाल देते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार और नमक को अच्छे से सब्जियों में मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसको हमने ढक के बस 2-3 मिनट के लिए बढ़िया से मसालों के साथ सब्जी को अच्छे से भून लेना है। तो इसको ढक के 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए ढक के सब्जियों को अच्छे से पका लिया है और सब्जियों ने देखिए काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं और अब यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो आधा कप मैंने टोटल पानी डाला है क्योंकि अभी सब्जियाँ और पकेंगी तो और पानी छोड़ेंगी और इतने पानी में हमारी सब्जियाँ बढ़िया से गल जाएंगी। तो सारी ही चीज़ों को फिर एक बार अच्छे से मिला दिया। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे मैं इसमें 1 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 सीटी आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे कुकर ने 1 सीटी दे दी है और अब गैस का फ्लेम कर देते हैं मीडियम पे और इसको 5 से 6 सीटी आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 सीटी इसमें आ गई है और ये अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम हटा देते हैं और गैस पे चढ़ा देंगे अब एक बड़ी सी कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं 1 चम्मच से तेल और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बटर। बटर को हम मेल्ट हो जाने देंगे और अब इसमें मैंने ले लिए हैं 3 प्याज जिसको कि एकदम बारीक मैंने चॉप कर लिया है और प्याज को हम हल्का सा भून लेते हैं। एकदम हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, कलर नहीं चेंज करना है, बस 1-2 मिनट के लिए पका लेना है। और 1 शिमला मिर्च लिए है, उसको भी एकदम बारीक उसको चॉप कर लिया है। तो प्याज शिमला मिर्च को हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लेंगे। और यहाँ पे 3 मैंने हरी मिर्च लिए हैं बारीक काट के और 1 चम्मच से डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेते हैं। आप इस तरीके से एक बार पाव भाजी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच से डाल दिया है जीरा पाउडर, 1 ही चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच से और ज़रा सा मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो सब्जियों में भी हमने नमक डाला है तो नमक हिसाब से ही डालेंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे और ज़रा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ और पानी डालने के बाद इनको अच्छे से हमने भून लेना है, मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, बढ़िया से ये तेल भी छोड़ने लगे हैं। अब यहाँ पे 2 चम्मच से, बड़े चम्मच से मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला, बढ़िया से इसको मिला लेंगे।
तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भुन गए हैं। अब इसमें हमने जो सब्जियाँ उबाल के रखी हुई थी ना, वो डाल देंगे। तो पहले हम कुकर खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी सब्जियाँ एकदम अच्छे से पक गई हैं, बढ़िया से ये गल गई हैं। तो अब हमने पानी अभी नहीं डालना है, सब्जियों को हम उसमें से निकाल के, छलने से छान के निकाल के इसमें डाल देंगे, और पहले मसालों के साथ सब्जी को अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद हम वो पानी को इसमें यूज़ करेंगे ग्रेवी में। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करते हुए इसको हल्का हल्का हमने मैश भी कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छे से गल गई है। तो चलाने में ही ये देखिए एकदम आराम से ये मैश हो जा रही है, और अच्छे से मसालों के साथ भुन जाएंगे सारी सब्जियां, तो बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा हमारी भाजी में। तो इसको 2-3 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ बढ़िया से मैंने इनको भून लिया है। तो अब चाहे तो आप इस तरीके से मैशर से आप इसको मैश कर सकते हैं, अगर मैशर नहीं है तो कोई भी गिलास आप ले लीजिए, इस तरीके से गिलास से भी ये आराम से मैश हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे, और गैस का फ्लेम अभी लो टू मीडियम पे रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं है तो सब्जियां नीचे से जल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैंने सारी सब्जियों को मैश कर दिया है, और अब इसमें हमने डाल देना है जो हमने पानी रखा हुआ है, वो पानी इसमें डाल देंगे। पहले सब्जियों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो इसमें अब पानी डाल देते हैं सब्जियों वाला, तो इसको डाल देते हैं इसमें, और इसमें हमने कोई भी कलर नहीं डाला है, और कलर मैं यूज़ भी नहीं करूँगी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारी भाजी में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है, क्योंकि हमने इसमें बीट रूट डाला है, तो बढ़िया सा कलर अपने आप ही आ जाता है। तो अब यहाँ पे अच्छे से मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से कम 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने खूब सारा इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है, और अब इसको ढक के हम पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको पका लिया है, और बहुत ही बढ़िया सी हमारी भाजी बनके तैयार हो गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम सूखा नहीं रखेंगे, हल्का गीला ही रखेंगे, क्योंकि हल्का सा भी ठंडा होगा ना तो और गीला ही हो जाएगा। तो ऐसा ही हम इसको रखेंगे। देखिए, यहाँ पे बढ़िया से हमारी भाजी तैयार हो गई है, और मैंने यहाँ पर आधा नींबू इसमें डाल दिया है। बाकी का नींबू आप जब आप सर्व करेंगे ना तो तब आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। देखिए, बहुत ही बढ़िया सी भाजी, और बिना किसी झंझट के झटपट से बनके हमारी तैयार हो गई है। तो फटाफट से हम पाव भी सेक लेते हैं। तो यहाँ तवे पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है बटर, ज़रा सा इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे भाजी, और इसको कर देते हैं मिक्स, और फटाफट से इसमें हम पाव सेक लेंगे। तो इस तरीके से पाव को हल्का हल्का हम दबा के अच्छे से सेक लेंगे, और थोड़ी देर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके इसको छोड़ देंगे, इसको अच्छे से सिक जाने देंगे। तो यहाँ पे हमारे पाव भी सिक के तैयार हो गई है, और इधर हमारी भाजी भी तैयार है। तो झटपट से हमारी बढ़िया सी बाजार वाली पाव भाजी बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।